नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल बॉर्डर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि पुलिस और एसएसबी ने नेपाल सीमा पर चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान, क्योंकि कल ही नेपाल बॉर्डर पर दो आतंकियों को पकड़ा जा चुका है, जिसके कारण संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ क्षेत्र में पकड़े गए दो आतंकवादियों को दृष्टिगत रखते हुए सीओ राजेश कुमार ने एसएसबी डिप्टी कमांडेंट संजीव कुमार ने गोरी फंटा व चंदन चौकी कोतवाली प्रभारियों के साथ नेपाल सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर नदी घाटों, जंगली रास्तों आदि पर आने जाने वाले लोगों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी नेपाल बॉर्डर की पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। बता दें कि लखनऊ क्षेत्र में दो आतंकवादी पकड़े गए थे और पांच उनके साथी भाग निकले थे। तब से नेपाल सीमा पर सभी वैध अवैध मार्गों, नदी घाटों, जंगली रास्तों पर नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ व तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस मौके पर सीमा की मंडियों सहित सड़कों और गलियारों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो आतंकवादी भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए थे, जिस कारण उन आतंकवादियों का भारत नेपाल सीमा पर क्या था मकसद। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि भारत नेपाल बॉर्डर की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।